यहाँ पे ना लैंडस्लाइडिंग हो गई। और जो पीछे जो ये नदी गई है ना गंगावली नदी, तो इसका बहाव तेज हो गया होगा पानी का, तो तेज बहाव के कारण उसने लैंडस्लाइडिंग कर दी। और लैंडस्लाइडिंग में जो ये जो चीजें थी ना, ये सारी मतलब नदी में आ गई। तो अभी वो बंदे नदी में मतलब इन्हीं को ढूंढ रहे थे भाई। अभी अब करेंगे कर्नाटका में एंट्री, और देखते भाई पुलिस वाले रोकेंगे नहीं रोकेंगे, क्या करते क्या नहीं करते, कुछ नहीं बोल सकते भाई, कुछ नहीं बोल सकते। ये हम गोवा से, अच्छा ये गोवा से एग्जिट हो गए, और हाँ वो चेक पोस्ट है। देखते भाई क्या करते पुलिस वाले, क्या नहीं रोकेंगे नहीं रोकेंगे कुछ भी। तो गोवा को कर देते हैं भाई बाय बाय, और हम कर लेते हैं एंट्री अपना कर्नाटका में। लो भाई जैसा कि कर्नाटका में एंट्री हो चुकी है, तो अपनी एंट्री बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट वेलकम टू कर्नाटका। लो भाई कर्नाटका, गोवा भी, गोवा चार बार आ चुका हूँ और कर्नाटका दूसरी बार, तो अलग फील है भाई, अलग खुशी है कर्नाटका की। अभी मजलाली से निकल चुके हैं और कारवार पहुंच रहे हैं, तो इसके बीच में एक नदी आती है जिसको काली नदी बोलते हैं। और ये काली नदी यार मैंने उत्तराखंड में भी देखी थी, ये शायद अलग होगी। ये देखो ये सामने बोर्ड आ गया, तो यहाँ देखते हैं। ये देखो और भाई काफी बड़ी नदी है, काफी बड़ी नदी है भाई, ये तो बहुत बड़ी नदी है, पुल से ही अंदाजा लगा सकते हो भाई कितनी बड़ी नदी है ये। और आपके अपने जो राइट हैंड साइड है उस तरफ भाई सारा समुंदर है, कंप्लीटली समुंदर। और कर्नाटका में आपका मोस्ट वेलकम हो चुका है भाई। जोग वाटरफॉल है जो कि 160 किलोमीटर दूर रहेगा अपना यहाँ से, तो निकल पड़े भाई हम अपना जोग वाटरफॉल। लेकिन उससे पहले ना मेरे को यार नदी ये तो बड़ी थी भाई, इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा मैं। या तो कोई छोटी मोटी नदी हो ना, या कोई झरना हो तालाब हो जहाँ पे मैं आराम से नहा सकूं। और भाई आज इतने दिनों बाद आज सूरज देवता के थोड़ी देर के लिए दर्शन हुए थे, थोड़ी देर के लिए, और उसमें मैंने अपना सनबाथ लिया, मजा आ गया। लेकिन मेरे को फिर बाद शावर नहीं मिला यार, तो वाटरफॉल आने दो फिर दिखाते हैं भाई। सामने आ व्यू देखो भाई कर्नाटका का व्यू है ये, है अलग अलग व्यू है भाई, औरों से भी अलग, औरों से भी अलग। मतलब यहाँ मेरे को ना पहाड़ भी देखने को मिल रहे हैं। अरे यार बारिश जो आ रही है ना यार, ये शीशे के ऊपर पड़ के ना फिर विजिबिलिटी खत्म कर देते हैं यार वीडियो की है। तो यहाँ पे देखो नारियल के पेड़ भी और पीछे पहाड़ भी दिख रहे भाई, नेक्स्ट लेवल का मतलब व्यू पॉइंट आया अपने को देखने का। और कर्नाटका में पहली बार, मतलब उस तरफ तो किया था मैंने गोवा की साइड, लेकिन अब मैं गोवा से भी आगे जा चुका हूँ भाई। तो और कन्याकुमारी मेरे से रह गया ओनली 971 किलोमीटर दूर रह गया भाई, 970 किलोमीटर के आसपास अपना कन्याकुमारी रह गया। लेकिन जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ भाई, मेरे को लग जाएंगे करीबन 1500 से 2000 किलोमीटर का सफर होने वाला मेरा। अभी भी पहले नहाने का देख रहे हैं भाई, जो हर बार दिखाता हूँ वीडियो में भाई, यहाँ पे नहाया मैं ऐसे नहाया, तो वो भी दिखाते हैं भाई आप लोगों को कि हम कहाँ स्नान किया कहाँ नहाएंगे,
कैसे जाएंगे। बाकी व्यू आया था अच्छा, तो कैमरा मतलब यहाँ से हट नहीं रहा यार। साउथ इंडिया मस्त है भाई, देखने की चीज है भाई साउथ इंडिया है। और ये ट्रिप मैं आप लोगों के लिए लेके आया भाई, मैं इसमें ना 12 ज्योतिर्लिंग साथ कर रहा हूँ और साथ में चार धाम की यात्रा भी कर रहा हूँ, तो मेरा एक द्वार का दिस धाम कम्प्लीट हो चुका है। सामने वाटरफॉल देख रहे हो और हाँ समझ गए ना, नाली है भाई, लेकिन वीडियो शूट यू नहीं किया वहां से ना, पत्थर जैसे ये सारा रोड ब्लॉक कर रखा है यहाँ का, और वहां से ना पत्थर गिर गए तो दिक्कत हो जानी थी, तो इसलिए पहले ही मैं अपना मतलब जल्दी से नहा के जल्दी से निकल लिया भाई, वो जरूरी था वीडियो से ज्यादा, ठीक है ना। तो निकल लिया भाई, और अभी यहाँ पे एक ना वो बताया गया भाई, अच्छा सा जबरदस्त सा बोले तो बीच, अगोंडा बीच बताया गया है, अगोंडा बीच, अगोंडा नहीं भाई कोंडा बीच, कोंडा बीच बताया गया है, तो वहां चलते हैं। वहां से बता रहे हैं कि मतलब जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना सारा, यहाँ से वाटरफॉल सीधा समुद्र के अंदर पड़ रहा है, तो वो सीन है भाई वहां का। ये सामने समुद्र का व्यू देखो भाई, ओ भाई बंदे लगे हुए हैं अपना है, मस्त है यार, और चारों तरफ ग्रीनरी गजब। और ये रोड तो ना बिल्कुल खत्म कर रखा भाई, ये रोड ही है देखो, ये डायरेक्शन दिखा रखी और ये रोड रहा, ये खत्म हो चुका भाई, कभी आया होगा यहाँ पे भी ना, लैंड स्लाइडिंग महाराज है, हम भी भाग लेते हैं जल्दी से यहाँ से हम भी जल्दी से भाग लेते हैं भाई यहाँ से, लैंड स्लाइडिंग आई होगी कभी यहाँ पे भी। ये देखो भाई जबरदस्त तरीके से टूटा हुआ है, और ये सारा ना वाटरफॉल में कन्वर्ट है भाई, यहाँ भी छोटा छोटा है क्योंकि बारिश नहीं आ रही, बारिश आ जाएगी ना तो यहाँ से पानी इस तरीके से आएगा, मस्त नज़ारा लगने वाला है। तो अपना जो अप्सरा कोंडा जो बीच है उसका जो डिस्टेंस है वो है भाई 60 किलोमीटर, करेक्ट 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर बोले तो अपने को लगने वाला है 2 घंटे 90। अभी 90 दिखा दिया भाई, ये क्या, अच्छा ये सामने से रास्ता गया हुआ ये नहीं दिखाया इसने, कोई बात नहीं जितना भी है चलते हैं भाई। बीच का सीन देखो भाई यहाँ से, इन नजारों के साथ चल रहे भाई हम तो। ये गजब है भाई, ये गोवा से भी गजब है भाई, खुला रोड ना चीची पीपी। देखो गोवा अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा, गोवा बेस्ट है, लेकिन ये दी बेस्ट है यार, दोनों तरफ नारियल के पेड़, छोटे छोटे रोड, कर्नाटका की वाइब्स, और भाई ये ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर मकान, वाह भाई वाह। मेन हाईवे से चल रहे हैं, मेन हाईवे पे ये नजारा है, तो ये देखो भाई गाँव के बीचों से जाएंगे, जब उनके बीच बीच से निकल के जाएंगे तो क्या नजारा होगा मिलेगा अपने को, अरे वाह भाई, अरे वाह भाई, फुल्ली ग्रीनरी, फुल्ली फुल्ली ग्रीनरी भाई, चारों तरफ ग्रीनरी है। अपने को यहां तक आते आते भाई पता कितना मतलब कितना प्योर ऑक्सीजन मिल गया ना अपने को, मस्त यार मस्त, मजा आ गया भाई इस ट्रिप पे तो है भाई। मानसून का मैं फिर कह रहा हूँ, मानसून का ट्रिप करो यार, मानसून का ट्रिप करो साउथ का, साउथ इंडिया है। लो भाई डायरेक्ट मुंबई से सीधा पूरा गोवा निकल गया, पूरा अपना अपना मुंबई के बाद का जो भी 500 किलोमीटर का वो निकल गया। अब डायरेक्ट जाके अपने को मिला है टोल टैक्स, कितने का है, 115 रुपये का टोल टैक्स है भाई। और सामने ग्रीन देखो यार क्या मस्त है, लो भाई देखने का सीन आ गया, ये कोई नदी है, इस नदी का नाम है गंगरावली नदी, और काफी चौड़ी नदी है भाई, काफी चौड़ी नदी है, और वाइब्स देखो यार है, ये देखो भाई क्या गांव, मतलब गांव के ना बीच बीच से रास्ता निकाल के वो जो मेन हाईवे था
वो शायद कहीं ना कहीं टूटा फूटा हुआ था, तो करके इन्होंने गांव के रास्ते से मेरे को निकाला। और यहाँ पर भी मतलब वो टूटा हुआ था तो सारी गाड़ियां यहीं से आ जा रही थी। यहाँ पर इतना लंबा जाम था ना, बहुत ज्यादा, मेरी ओर से कोई गाड़ी नहीं थी लेकिन सामने से गाड़ियों की कतार थी भाई। तो मेरे को भी रुकना पड़ रहा था, सिंगल रोड हो गया ये, और ये बराबर में तो देख ही रहे होंगे आप लोग हैं, केले के भी पेड़ आने लग गए अब तो यार। मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले वो लिया था भाई अपना मसाला डोसा, तो मेरे को केले के पत्ते पे ही रख के दिया, मतलब प्लेट तो थी पर प्लेट के ऊपर केले का पत्ता, फिर जाके अपना मसाला डोसा, अलग था मेरे लिए, मतलब नया एक्सपीरियंस बोल सकते हैं भाई इस चीज को। अभी यहाँ पे ना लैंडस्लाइडिंग हो गया भाई, खुलना नहीं है भाई। यहाँ एक मिनट में अभी दिखाता हूँ आपको, लो ये देखो, यहाँ एक मिनट में बारिश है और एक मिनट धूप तो खैर है नहीं, धूप का तो आज सुबह मतलब गोवा में था तो थोड़ी बहुत धूप मिली थी, अदरवाइज धूप का तो कुछ नहीं है भाई यहाँ पे रोड। और अभी जो पीछे सीन देखा आप लोगों ने भाई, यहाँ पे पता क्या हुआ, यहाँ पे बता रही थी ये बंदे की एक तो केरला की गाड़ी थी और चार पांच छह दुकान थी और भाई दो तीन ट्रक वगैरह थे, और जो पीछे जो ये नदी गई है ना गंगावली नदी, तो इसका बहाव तेज हो गया होगा पानी का, तो तेज बहाव के कारण उसने लैंड स्लाइडिंग कर दी, और लैंड स्लाइडिंग में जो ये जो चीजें थी ना ये सारी मतलब नदी में आ गई। तो अभी वो बंदे नदी में मतलब इन्हीं को ढूंढ रहे थे भाई। तो मैंने यहाँ पे काफी चीजें जो सुनी है भाई, काफी चीजों के बारे में जो सुना है, वॉटरफॉल्स हो गए अपने या पहाड़ हो गए या अपनी घाटी हो गई जो भी है ना, यहाँ पे ना मतलब बंदे बोलते हैं कि भाई मतलब बंदे आते हैं घूमने फिरने के लिए लेकिन ड्रिंक वगैरह करके तो वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से वो मतलब पता नहीं कैसे क्या होता है कि वो पानी के अंदर कभी झरने के अंदर कभी ऊपर से पानी आ गया झरने से, मतलब ड्रिंक की बात नहीं है अदरवाइज भी ऊपर से एकदम पानी आ जाता है कभी कभार, तो ऐसा ऐसा कुछ हुआ है भाई। तो थोड़ा सेफली रहो भाई, मैंने भी गलती की, मैंने क्या किया, मैं सुबह 8 बजे निकल गया भाई अपना, जब मैं महाराष्ट्र में था, आप लोगों ने भी लोग नहीं देखा हो तो उस लोग को जरूर देखना, मैं 8 बजे ही निकल गया महाराष्ट्र के नामेमाची वाटरफॉल करके नाम है, तो उस वाटरफॉल पे मैं 8 बजे ही निकल गया भाई सुबह के, और वहां पे कोई नहीं, पूरे जंगल में कोई नहीं, सिर्फ मैं और वो जंगल, मतलब मेरे को ही पता कितना डर लगा मेरे को। एक नारियल पानी पी के फिर चलेंगे आगे की तरफ, और 40 रुपए का रेट है भाई नारियल का, यहाँ पे महंगा ही है, देखते हैं कैसा निकलता है। इस लैंडस्लाइडिंग के कारण भाई सारे ट्रक वाले रोक दिए यहाँ पे हैं, और काफी लंबा पार्किंग लगा हुआ है ट्रकों का, और एक साइड तो बंद ही कर रखा है। और भाई यहाँ के ना ट्रकों का स्ट्रेचर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, जो लकड़ बॉडी में है ना उनका थोड़ा सा अलग है अपने वहाँ वालों से, ये देखो है ना, और भी दिखाता हूँ, ये लोहे वाले तो सेम है लेकिन जो लकड़ बॉडी वाले हैं वो थोड़ा सा अलग है, जैसे ये वाला था ये देखो थोड़ा सा अलग है भाई, और आगे तो और भी खड़े थे यहाँ पर थोड़े कम थे, तो अभी लगी भाई भूख, नारियल पानी इतना ठीक था, मीठा कम भी नहीं था ज्यादा भी नहीं था, ठीक था नारियल पानी। अब थोड़ा सा मौसम खुला है लेकिन यहाँ पर रोड पे लग रहा है भाई बारिश हो गई है यहाँ पे भी, ठीक है, लेकिन हाँ अपने माउंटेन्स अब फिलहाल के लिए नहीं दिख रहे, कुछ नहीं पता भाई किस टाइम उठ के आ जाएं, किस टाइम अपने को माउंटेन्स मिल जाएं, क्योंकि अभी फिर से रोड नीचे जाने लग गया, इसका मतलब समझो माउंटेन आने वाले हैं, तो अभी तक तो दिखाई नहीं दिए,
अरे साथ में अपने इस साइड में समुंदर चल रहा है भाई, समुंदर तो क्या चल रहा है भाई, हम चल रहे हैं साथ में उसके समुंदर के। हाँ बाकी नजारे साथ चल रहे हैं, नजारे साथ चल रहे हैं, नजारे में कोई कमी नहीं है भाई, बस भूख लग रही है, वो और मिल जाए खाने का कुछ अच्छा सा वेज सा। मतलब भाई इतने दिनों बाद धूप देखी आज हमने अच्छे से, तो आज मैंने चश्मा भी लगा लिया भाई, आज मैंने चश्मा भी लगा लिया कि यार अच्छे से फील तो करे इस धूप को है। कितने दिनों बाद ये मान लो भाई मेरे को एक महीने बाद धूप देखने को मिली है, ये भी प्रॉपर नहीं है पर ठीक है, अच्छी अच्छी खासी धूप है यार है। तो मैं सोचा मां यार आज चश्मा लगा ही लेते हैं, और यहाँ ना कुछ खास मतलब होटल वगैरह दिख नहीं रहे यार, मैं गोवा से नीचे आते ही साउथ गोवा में ही नहीं दिख रहे थे इतने कुछ खास होटल वगैरह। देखते हैं भाई कहाँ क्या कैसे किस प्रकार से ये रास्ते ये दिन कट जाएंगे हैं। अपना 900 किलोमीटर के आसपास रह गया भाई कन्याकुमारी, लेकिन कन्याकुमारी डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, अभी बीच बीच से जो भी अपने को स्पॉट मिलेंगे देखने के तो वो एक्सप्लोर करते हुए निकलेंगे, और वहाँ से भी वापसी एक्सप्लोर करते हुए उधर की साइड आएंगे भाई। तो चल रहे हैं, देखते हैं भाई किस टाइम तक पहुँचते किस टाइम तक नहीं, जो भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। मतलब यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी नदी आने लग रही है ना, ये नदी है भाई और ये है सरावती नदी। बंदे क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए भाई, गजब लग रही है ना, और ये अपनी गाड़ी खड़ी कर दी यहाँ पे, और सरावती नदी है ये। ये सीन देखो भाई कितना गजब का सीन आया, और ये जिस नदी पे खड़े हैं ना, मतलब जब खड़े थे तो अभी क्रॉस कर रहे हैं भाई, काफी लंबा पुल है ये भी, और सरावती नदी का पुल है ये, चारों तरफ पानी अरे भाई यहाँ तो बोट भी खड़ी है, बोट भी खड़ी है यहाँ तो, चारों तरफ पानी पानी है, पानी पानी बस, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी धूप निकली थी, धूप वापिस से फिर से गई भाई। अब हम आगे भाई अप्सरा कोंडा बीच पर, और क्योंकि ये रास्ते में पड़ रहा था ना पहले अपने को, तो सबसे पहले हमने यही चूज किया भाई, और यहाँ से अपना निकल के, और ये सामने ये दिख रहा भाई इस पूरा बीच है, तो ये कर्नाटका का बीच है, और यहाँ की एक्टिविटी देखते हैं भाई क्या देखने को मिलता अपने को और क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना एक वाटरफॉल है अप्सरा कोंडा करके ही, तो वो वाटरफॉल बताते हैं कि भाई यहाँ से ऊपर से गिरेगा ना तो सीधा समुंदर में ही गिरता है, मतलब और काफ़ी हाइट से वाटरफॉल गिरता है वो, तो देखते हैं अगर वॉकिंग डिस्टेंस होगा तो जाके आएंगे वहाँ पे भी, अदरवाइज जोग वाटरफॉल चलेंगे फिर उसके बाद, फिर मतलब इसी रूट से हम जोग वाटरफॉल जाएंगे फिर उसी रूट से वापस आ जाएंगे भाई। और आवाज़ तो बहुत भयंकर आ रही है भाई, देखते हैं कैसा मौसम है कैसा नहीं। बीच पे पहुंचा भी नहीं था भाई और बारिश आ गई, भिगो दिए और तेरी, अभी तक कितना साफ मौसम था यार, बीच पे नहीं पहुंचा था और इतनी जोर की बारिश स्टार्ट होगी कि पूरे भिगो दिए भाई हम, और वो यहाँ पे है भी नहीं। आवाज़ तो आ रही है, देखो कैसा क्या रहता है नीचे, तो बता जाए कुछ खास नहीं है, पर भाई हम आए हैं तो देख के जरूर जाएंगे, चाहे खास हो और चाहे कितनी दूर हो, मतलब पास हो और चाहे कितनी दूर हो, आप तो जाएंगे तो जाएंगे। अच्छा ये वाटरफॉल है भाई, सही है यार, और क्या पानी गिरता दिखना चाहिए। नीचे से देख के आएंगे भाई अच्छे से ऐसे, सही तो है और क्या चाहिए भाई है? ये देखो, चलो ये तो छोटा है, इसको देख लेते भाई कितना बड़ा पेड़ है यार। यहाँ पर वो वाटरफॉल है भाई, और सामने समुंदर का नजारा देखो, समुंदर भाई देखो, ये लाइन बनी हुई ना फुल ऊपर तक है भाई, मतलब यहाँ से देख सकते हैं भाई धरती गोल है, रियलिटी में गोल है धरती।
चारों तरफ की ग्रीनरी देखो भाई, क्या मस्त है। और समुंदर तो लग ही रहा भाई, समुंदर है, जबरदस्त है भाई। तो गाइज अभी इस वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि मैं निकला हुआ हूँ 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पर और चार धाम की यात्रा पर, और ऑल इंडिया रोड ट्रिप तो मैं कर ही रहा हूँ अपनी कार से। तो इस वीडियो करते भाई यहीं पर समाप्त।